तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है हिंदी ग्रामर का और इंग्लिश ग्रामर का कंबाइंड टॉपिक है और जो कि पूछा जाता है आपके एग्जाम में 2 से 3 नंबर का, मोड बने टीचर का तो 4 नंबर पूछ लेता है पर इससे ज्यादा नहीं आता। तो ये है बेटा रचना के आधार पर वाक्य भेद। इसे वाक्य भेद दो होते हैं, दो तरीके से होते हैं, एक होता है रचना के आधार पे, एक होता है अर्थ के आधार पे। अर्थ के आधार पे हम कर चुके हैं, जिसे समझना है पुरानी वीडियो देख ले, और रचना के आधार पर आज करने जा रहे हैं, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस कि वो किस तरीके से बनता है। पहले हमने देखा था कि बनने के बाद उसका क्या मतलब निकलता है, तो अर्थ के आधार पे हमने उसको बांटा था। आज हम देखेंगे वो बनता किस तरीके से है। तो बेटा इसके तीन भेद होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं, फर्स्ट सिंपल सेंटेंस, सेकंड कंबाइंड सेंटेंस और लास्ट है मिक्स या कंपाउंड सेंटेंस, मतलब सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक, अब ये है क्या भाई, ये क्या हो गया, ये तो कुछ संयुक्त मिश्र सरल है कैसा। देखो बेटा उदाहरण देखते हैं, इसके अंदर एक उदाहरण दिखाई दे रहा है, राम पुस्तक पढ़ता है, क्या राम पुस्तक पढ़ता है। इसके अंदर काम छाटो, क्या काम छाटो, तो पढ़ना का हुआ काम हुआ, कार्य हुआ ना, इंग्लिश में क्या बोलेंगे वर्ब हुआ। ठीक, एक काम कितना निकला, एक काम। इसके अंदर देखो राम पुस्तक पढ़ता है, शाम क्रिकेट खेलता है, तो देखो पढ़ना एक काम हो गया और खेलना एक काम हो गया, दो काम हो गए ना इसके अंदर। इसको मैं लिख देता हूँ कार्य वन और ये हो गया कार्य टू, मतलब वर्ब वन और वर्ब टू, तो बस के अंदर दो काम आ रहे हैं ना। तो आंख बंद करके जहां पर एक काम हो, क्या जहां पर एक काम आ रहा हो बेटा, आंख बंद करके उसको सरल वाक्य या सिंपल सेंटेंस में डाल देना, इसमें दो बार भी मत सोचना। और जहां पर दो कार्य आ रहे हो, अब यहां पर थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जो संयुक्त वाक्य कंबाइंड सेंटेंस और मिश्र सेंटेंस दोनों के अंदर दो दो ही काम दिखाई देंगे। देखो यहाँ दो काम दिखाई दे रहे हैं और यहाँ देखो शाम ने कहा कि सामने कहा, तो कहना एक काम हो गया पहला, दूसरा कि राम ने कहा कि शाम क्रिकेट खेलता है, तो बेटा कहा पहला काम और खेलता है दूसरा काम। देखो दो काम दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे भी, कितने हो गए, पहला काम और दूसरा काम, वर्ब पहला और वर्ब दूसरा, वर्ब मतलब होता है कार्य। देखो भाई अब क्या हुआ, अब कंफ्यूजन कहाँ पैदा हुई, चलो इसका समझ में आया, एक काम हुआ बात अलग, लेकिन यहाँ भी दो काम और यहाँ भी दो काम, ठीक है। और देखो बातें भी तो दो दो है, यहाँ पे राम पुस्तक पढ़ता है, शाम क्रिकेट खेलता है, राम ने कहा कि शाम क्रिकेट खेलता है, ठीक। तो फिर दोनों में अंतर कैसे पता चलेगा एग्जाम में आ गया, तो मिश्र लिखूंगा कि संयुक्त लिखूंगा, कंबाइंड लिखूंगा कि मिक्स लिखूंगा, बोलो। देखो बेटा मैं समझाता हूं, जब बेटा दो बातें आपस में जुड़ी हो, क्या दो बातें आपस में जुड़ी हो, दो सेंटेंस आपस में जुड़े हो और दोनों का अपना अलग अलग मतलब हो, क्या हो, अलग अलग मतलब हो, अगर मैं इनको अलग अलग भी लिख दूं तो मुझे अंतर समझना आए कि कोई जुड़ी हुई बात होगी ये। तो देखो जैसे लिख कर दिखाता हूँ, किसी को लिखते हैं राम पुस्तक, पहली बात क्या है राम पुस्तक पढ़ता, और दूसरी बात क्या है, अगर और को हटा दूं शाम बात, देखो पता भी चल रहा है एक दूसरे से जुड़े हुए थे, कभी नहीं पता चल रहा ना, उसको लिख के देखते हैं। देखो वो क्या है, राम ने कहा, पहली बात की को हटा दो, शाम क्रिकेट खेलता है, अब बेटा इसके अंदर देखो और इसके अंदर देखो अपने आप अंतर दिखाई देगा तुम्हें, कैसे राम पुस्तक पढ़ता है, शाम क्रिकेट खेलता है, दोनों बातें एक दूसरे के बिना भी पूरी हैं, लेकिन ये बातें पूरी हैं, एक पूरी है और एक अधूरी है। ये देखो राम ने कहा, बात पक्की पूरी नहीं है कि राम ने कहा भी क्या कहा, बात तो पूरी बता जा, चला गया वाली चुप हो गया, मन में डाउट रह गया, पता नहीं राम ने क्या कह दिया था। शाम क्रिकेट खेलता है, दोनों में कोई संबंध हटा दिया, तो देखो एक पूरा और एक अधूरा। तो जहां पर बेटा दोनों सेंटेंस पूरे हो, दोनों का अपना अलग अलग मतलब निकलता हो, वो संयुक्त वाक्य कहलाता है, मतलब कंबाइंड। और अगर जिसके अंदर दोनों सेंटेंस में से एक अधूरा और एक पूरा हो, वो बेटा मिश्र वाक्य कहलाता है। मिश्र वाक्य की पहचान और भी है ये, कि अगर जहां लिखा हो यदि, अगर, क्योंकि, की, जो, इस तरह की बात अगर कहीं दिखाई दे जाए तो इतना भी कंपैरिजन मत करना, इतना भी दिमाग मत लगाना, यदि अगर चूंकि जो ये दिखते ही आप इसे तुरंत मिश्र वाक्य में डाल देना, ठीक है बेटा। इसी के साथ हमारा रचना के आधार पर वाक्यों के भेद का जो मेन डिफरेंस था, जो मेन अंतर था, जो मेन पहचान थी, वो हमने कर ली। अब नेक्स्ट वीडियो में बेटा कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है।